3 1 6। हाँ अभी क्या करना है, रिमाइंडर कितना बचता है? 74 ना, तो फिर 9 जा जाएगा ना, तो 159.9। ओके आया समझ में? ये थी कहानी किसकी? सिंपल एग्रीगेटिव। मैंने बताया ना जो तुम लोगों को टेबल दिया था ना पहले, अभी वेटेड। वेटेड में क्या करने का, दोनों को किससे ने किससे मल्टीप्लाई करने का, एक ही नंबर से ना, तो उसके अलग अलग वेट्स होते हैं। क्यू जीरो होता है, एक तो वेटेड मैंने करा भी लेस पेस, वो क्या बोल रहे हैं नाउ सी दिस आर आवर होमवर्क 6 7 8 के होमवर्क समा 6 7 8 जो समय ना, बहुत सारे सब सिंपल एग्रीगेट वाले होमवर्क ही हैं। आई एम डूइंग इट, डोंट वरी। अभी ट्वेल्थ का वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स ना, सुनिए वेटेड एग्रीगेटिव में क्या होता है कि पहले वेट्स लेते हैं, क्या लेते हैं वेट्स के बहुत सारे मेथड जजमेंट से लेते हैं। नाउ हियर ट्वेल्थ सम, कैलकुलेट वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर द ईयर 1970 विथ 1965 एज अ बेस ईयर। वेटेड लेना है, देखो कमोडिटीज क्या है, ओके ये कमोडिटीज है P0, दैट इज 1965 का प्राइस, और क्या है ये P1 और W है ना। अभी W क्या है, 4 8 6 2 और 5, पक्का यस और नो? P0 क्या है, 2.5 2, एंड पक्का P1 क्या है, 4.5 1.7 4.5 1.7। ये लास्ट टाइम हमने सम किया था, वेटेड है ना, वेटेड एग्रीगेटिव है ना, क्या है तो P0 नहीं लेने का, क्या लेने का P0W, फिर दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया, W से, फिर टोटल देखने का है ना। तो ये सिंपल एग्रीगेटिव हुआ कि वेटेड एवरी, यस 2.5 × 4 कितना होगा, 2.5 × 4 10 होगा ना, 2 × 16 होगा ये 3.2 × 6 19.2 एंड 3 × 2 क्या होगा 6 होगा एंड 1 × 5 होगा, पक्का यस और नो? फिर 4 × P1 × W 4 × 4 16 होगा, फिर P1W ना, दोनों का W से 3.2 × 8 4 × 6 क्या होगा, समझ जा रहा क्या हो रहा है? एंड क्या आएगा 9 और क्या आएगा यहाँ पे 1.75। अब इन दोनों का टोटल करो 56.2 बोलो 83.1 इट इज 83.10 समझा। ये कौन सा मेथड है, वेटेड? हाँ ये बुक पे डिस्कस नहीं हुआ है पर ये स्टार्ट है, इसके बाद बहुत सारे W अलग अलग लेते हैं, कोई Q0 को W लेता है, वेट्स Q0 को लेता है, कोई Q1 को लेता है, कोई
दोनों को मिला के लेता है। फिर फिशर्स है, मैंने बताया एक एक लेजी लोग पैदा होते गए, नाम पूरा बदनाम हो गया था इनका, पीएचडी खराब हो गई थी। पी वन डब्ल्यू अपॉन समेशन 83.10 × 100 डिवाइड बाय क्या 56.83 है। इसका आंसर कैसे भी करके निकालोगे तुम लोग, आंसर आएगा इसका 147.86। ओके, ये आंसर आता है, चेक कर लेना बाद में। ओके, कैलकुलेशन पार्ट, ओके, बिकॉज वी हैव टू डू मेथड 86 147.86 आ गया स्क्रीन पे, ठीक है कि नहीं? ओके, अब आ रहे लेस पेयर्स पाशेस, जरा देखो लेस पेयर्स में कौन सा वेट दिया था, लेस पेयर्स में क्यू दूरी सेकंड पाशे, हाँ फिशर तो बोलता रूट कर डालो, ये डॉर्विश बोल रही तो कोई काम का ही नहीं बोलते क्या, मार्शल ने बोला फिर दोनों का ले लो कोई बात नहीं है ना, वॉल्स ने बोले मैं रूट निकालूंगा, तो छह लोग आगे को छह की पांच इसमें क्या है, लेस पेयर्स पूछा है, पाशेस डॉर्विश बॉली मार्शल फिशर ने पूछा है, वॉल्स ने पूछा है, फिशर का ज्यादा करके कम पूछते हैं नसीहा, इसमें कॉलम चाहिए बहुत चाहिए प्लीज इसलिए कमोडिटी कौन सा सम कर रहे हैं ना 13 वाला ना, कमोडिटी समझ में आया, कैलकुलेट 13 समा ये वाला, कैलकुलेट लेस पेयर्स पाशेस डॉर्विश बॉली एंड व्हाट मार्शल एडवर्ड, कमोडिटी है कौन सी, कितनी कमोडिटी है भाई, पी क्यू आर एस पक्का, पी जीरो क्या है, पी जीरो दिया है, प्राइस इन बेस ईयर दिया है ना 2486, पी वन क्या है, नहीं क्यू वन क्यू जीरो क्यू जीरो क्यू जीरो, क्वांटिटी दिया कि नहीं 20, 12, 10 एंड देन पी वन भी किया है, प्राइस इन करंट ईयर 10, 12, 15 एंड 9, क्यू वन दिया क्या है 22, 10, 20 एंड 30, ये लिखा चारो, ये तो कॉपी किया था, लेकिन बहुत सारे कॉलम चाहिए, एक एक इंडेक्स के लिए कम से कम 2 या 3 3 कॉलम, किसी के लिए 3 3 भी चाहिए होते हैं, मार्शल है ना मार्शल, उसके लिए 3 कॉलम चाहिए होते हैं, मार्शल मानता नहीं जल्दी, अभी इन सब का टोटल नहीं करना है, पहले हम लोग लेस स्पेस क्या करेंगे, उसमें किसको वेट लेंगे, क्यू जीरो को किसको वेट लेंगे, तो बनाएंगे पी जीरो क्यू जीरो, फिर पी वन क्यू जीरो है कि नहीं, अभी पी जीरो क्यू जीरो क्या होगा मेरे को बताओ, 40, 48, 80 आया समझ में, ये एग्रीगेटिव चल रहा है इसलिए टोटल के बाद इंडेक्स किया जाएगा, P1 Q0 क्या आएगा 200 ना 10 है ना, फिर 144 150 क्या इनका टोटल करेंगे तो लेस पेयर्स आएगा, क्या आएगा 80
लेस बेयर लेस पियर्स इंडेक्स, इसकी फॉर्मूला है समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू क्या 100। आया समझ में? टोटल क्या आता है? 258 है कि 248 है? 250 और ये है 625। अभी लॉजिकली ये फॉर्मूला है 258 क्या बन गया, तो 100 कितना बनेगा, मतलब 100 इंटू क्या आएगा 629 इंटू 100 अपॉन 250, ये दोनों करना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा 243.798। ओके, समझाइए कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग खुद कर लेना प्लीज। यस सर, बहुत टाइम जाएगा तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अभी किसको दूसरा किसका नंबर है? पाशेस। किसका नंबर है? पाशेस में क्या है, पी जीरो क्या लेंगे हम Q1 और क्या पी जीरो पी वन पी वन पी वन पी वन पी वन पी जीरो। ओके, लेट्स पे पाशेस में हम क्या लेंगे P0Q1 और व्हाट P0Q1 कितना आएगा पहले 44 40 40 160 और 180। P1Q1 220 120 100 1300 ना 300 की नहीं 270 पक्का टोटल करो 4 और ये 9। पाशेस की फॉर्मूला क्या होगी, समेशन P1 अपॉन समेशन P0Q1 इंटू 100, तो क्या होगा 910 इंटू 100 अपॉन 7 आएगा क्या 214.62। ओके, कैलकुलेट करना पड़ेगा 424 का टेबल या फिर 212 का टेबल करना पड़ेगा ना। कैलकुलेशन पार्ट यू हैव टू डू इट। अभी सुनो, एक डॉर्विश का और मार्सल डॉर्विश का क्या प्रॉब्लम है? डॉर्विश क्या आता है, डॉर्विश बॉलिंग का फॉर्मूला क्या आएगा, डॉर्विश बॉलिंग एल प्लस पी अपॉन 2 243.798 प्लस अपॉन 2 एवरेज कर 243 is equal to 458.418 divided by 2।
टू वन अप्रोक्सीमेटली। ये किसका मेथड हुआ? डॉर्विश। अभी है ना, और कौन बोला इसने? मार्शल। क्या बोला है? हाँ, अभी मार्शल का है ना, एक अलग कॉलम बना के भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली करना है तो मार्शल की। देखो मार्शल क्या करता है, दोनों को लेता है, क्यू जीरो भी लेते हैं और क्यू वन, तो क्या होगा, समेशन पी वन क्यू जीरो प्लस समेशन पी वन क्यू वन, दोनों को लिया ऊपर, क्या किया उसने, क्यू जीरो से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय समेशन ये दोनों को क्वांटिटी को लेता है, Q0 भी लेता है और Q1 प्लस करता है दोनों को, समझा कि नहीं? ओके अभी मेरे को बताओ P1 Q0 क्या है? पी वन क्यू जीरो बताओ, सिक्स प्लस नाइन वन जीरो पी वन क्यू वन, यस सर नो, अपॉन वॉट, टू फिफ्टी एट प्लस सिक्स ट्वेंटी नाइन प्लस नाइन वन जीरो कितना आता है, इज इक्वल टू 225.659 ऐसा कुछ आएगा आंसर। ओके यहाँ 76 लेंगे तुम, चलिए ओके 6 फॉलोअर दिस। ये कौन हो गया इसमें, मार्शल भी आ गया, मार्शल थोड़ा मेहनत है, एम फॉर मार्शल है तो एम फॉर मेहनत है, ये सबसे लेजी नो डॉर्विश। ओके समझा, आप कोई भी इंडेक्स नंबर आए तो कोई चिंता की बात, खाली वॉल्श नहीं आया अभी तक, कौन नहीं आया, फिशर्स भी नहीं आया, वेट कर करके थक गए। कैलकुलेट डेस्पियर्स पाशिस डॉर्विश पॉलिस एंड वॉट मार्शल एडवर्ड इंडेक्स नंबर क्या है, कितना बजा, ए फिर पी जीरो है ना, 70 का प्राइस दिया कि नहीं, 25 10 12 13 और पी वन क्या है बताओ, फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव पक्का, और वेट्स भी दिया, क्या दिया है, 10 3 3 पक्का, यस और नो, ना पहले उधर है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, क्या है तो इसको बोलते हैं आय, आय मालूम क्या होता है, पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड, ये देख पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड, ये ना एक एक का प्राइस आय बोला ना, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ना, प्राइस रिलेटिव मतलब आय, एक एक का इंडेक्स, इंडिविजुअल इंडेक्स मतलब आय, तो ये क्या होगा 40 अपॉन 25 इंटू हंड्रेड, ये 160 आएगा, कितना आएगा, फिर 12 अपॉन
10 into 100 120. तो ये 120 आएगा. 15 upon 12 into 100 125. फिर 20 upon 13 into 100. ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी. 2000 upon 13 1 7 5 remainder 5 फिर 5 50 ना 153.85 ले लो अप्रोक्सीमेटली. 20 का 25 मतलब ये आया आ गया. क्या आ गया ये? अभी इसका टोटल करो. इसका टोटल आएगा प्लस 683 point क्या? 85. 683 point. Now simple average of summation I upon summation I upon n, that is upon 5. समेशन आया कौन है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का एवरेज निकालो सिंपल तरीके से. 186 point 136 point. ये क्या आया? एनी डाउट्स इन आई? कौन सा 160 कैसे मालूम पड़ा? 40 upon 25 into 100. अच्छा अभी वेटेड एवरेज करना है ना. तो आई डब्ल्यू करने का क्या करने का? आई डब्ल्यू 160 into 10 कितना होगा बता? 120 into 3 375 आया. अच्छा 153 307.7. ये इंटू दिस ना और ये 250. ये आया गया है ना. कितना होगा? 28. टोटल करो 28 आ रहा है. 2892.7 आता है. इसको किससे डिवाइड करेंगे बोल? इससे. हाँ तो क्या होगा? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू दैट इज 2892.70 upon 20 144.635. ये आंसर आया. ये कौन सा हुआ? ये प्राइस रिलेटिव का दोनों हो गया. सिखाया आज जो लेस फेयर पासिस. अभी इसमें ना और इसने कंफ्यूज करेंगे. वेटेड एग्रीगेटिव बीच में क्या पूछ लिया इसने? अभी वेटेड एग्रीगेटिव के लिए कौन से कॉलम बनेंगे मालूम? P0W और क्या? P1W है ना. P0W एंड व्हाट? और टोटल के बाद इंडेक्स होगा कि नहीं? कि पहले इंडेक्स होगा? एग्रीगेटिव पहले टोटल किया जाएगा. P0W कितना है बच्चों? 50.
थर्टी ना फिर 36 है, फिर 26 है और 40 है ना, फिर P1W 400, 36, 45, 40 और 50 है कि नहीं? रहने बोलो भी कुछ नहीं, क्या आएगा? नो, ये 250 है भाई, 382 भी ज्यादा आएगा रे, 400 ऊपर ही है। हाय 70 आया? यस सर। नो यस सर। ना ये क्या होगा? वेटेड एग्रीगेटिव समेशन क्या बच्चों? कौन समेशन क्या आएगा? कैलकुलेशन याद है? ओके ऊपर ऊपर लिखा पूरा, हाँ लिखो, बट यू आर गेटिंग दिस आइडिया। ऐसा हम लोग करेंगे और भी था, लेकिन इनके एग्जाम्स चालू हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, कल है लेक्चर। फिनिश सॉरी 40 सम नंबर कैलकुलेट नेस्पियर पाशेस डॉर्विश बॉलीज एंड वॉन्ट मार्शल एडवर्ड प्राइस इंडेक्स इज़न्ट इट क्या लिया प्राइस एबीसीडी है 8732 प्राइजेस आर गिवन वॉट 8732 क्वांटिटी इज 20, 30, 20, 10, 30, 50 एंड सो ऑन। सी लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 14 सम नंबर 14 क्या लिखा है? कमोडिटी देन P0 Q0 P1 एंड Q1 कमोडिटीज A B C एंड D। P0 क्या है? प्राइस इन बेसियर 8732। Q0 इज 20, 10, 30 एंड 50। P1 इज 11, 12, 5 and 4 एंड Q1 इज 5, 10, 20, 5, 10। ओके नाउ व्हाट दे हैव ट्राइड टू लेट्स पेयर उसके लिए कौन से कॉलम चाहिए लेट्स पेयर के लिए बताओ P0 Q0 और P1 Q0 ये किसका हुआ लेट्स पेयर पार्शियस के लिए पार्शियस बोला है क्या यस बोला है क्या आएगा P0 Q1 एंड देन P1
बाकी सब तो निकल जाएंगे इसमें से ना। अभी पी जीरो क्यू वन क्या है, पी जीरो क्यू जीरो क्या आएगा, सिक्स इंटू ट्वेंटी कितना आएगा, सेवन इंटू दिस ट्वेंटी, सेवन इंटू टेन सेवेंटी, हेडिंग दिस थ्री इंटू थर्टी नाइनटी, एंड टू इंटू फिफ्टी इज हंड्रेड। पी जीरो क्यू जीरो ये क्या एट है ना, सॉरी दिस इज वन सिक्सटी है, दिस इज एट, एट है ना एट, सो इट बिकम्स टू थर्टी एंड वन नाइनटी दैट इज फोर ट्वेंटी। ओके पी वन क्यू जीरो, पी वन क्यू जीरो इज टू टू जीरो, वन टू जीरो, वन फाइव जीरो एंड 200 है ना, तो इट बिकम्स 690, 690, then P0 Q1, P0 Q1 is 40, 70, 60, P0 Q1 and 30, it is 200 here, and P1 Q1 is, what is P1 Q1, what is P1 Q1, hello, 55, 120, 160, 335. Now क्या बोले, less space ना, summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100, isn't it? तो क्या आएगा आंसर, कोई बताएगा? P1 Q0 into P0 Q0 upon into 100 ना, तो ये क्या होगा 690 upon 164 165, फॉर्मूला इज समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100, दैट इज 335 अपॉन 200 इंटू 100, दैट इज 167 point। उसके बाद किसका नंबर है, डॉर्विश बॉली, मतलब वो तो एकदम लेजी था कि नहीं, एल प्लस क्या है 164.29 प्लस 167.5 अपॉन टू, वन सिक्सटी फाइव पॉइंट नाइन जीरो। ये डॉर्विश बॉली भी हो गया। मार्शल एडवर्ड क्या बोलते हैं लोग, वो क्या बोलता है, व्हाट इज मार्शल एडवर्ड का इंडेक्स, समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P0 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन, सॉरी दिस इज
ये पी वन क्यू वन हो गया था, पी वन क्यू वन, ओके, पी वन क्यू जीरो प्लस पी वन क्यू वन, फिर पी जीरो प्लस पी जीरो क्यू वन इन टू हंड्रेड, मतलब ये दोनों ऐड करने का क्या 690 प्लस 335 पक्का अपॉन क्या 420 प्लस 200 इंटू 100, तो ये आता है 690 प्लस क्या 690 प्लस 335 1025 अपॉन